मैंने कई दिन से अभी वीडियो नहीं बनाए थे, तो आज मैंने सोचा चलो कोई रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। और आज दिन के टाइम में मैं काफ़ी बिजी थी, क्योंकि आज पितृपक्ष का लास्ट डे था और आज दिन में भी हमने मित्रों के लिए कुछ खाना बनाया था, खीर पूरी और सब्जी। तो वो हमने खुद की पूजा पाठ ज़्यादा ऐसा दिखाना नहीं चाहिए लोग बोलते हैं, तो हमने नहीं दिखाया था। लेकिन मुखिया का तो आज काफ़ी बिजी टाइम था और बहुत मैं थक गई थी, लेकिन फिर भी सोचा चलिए आज कुछ मूड कर रहा था ऐसा कि कुछ आप लोग ये बनाऊँ और आप लोग देखें से और इन्जॉय करें। तो मैंने बनाया है जो रेसिपी, हो सकता है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। और क्या ही बोलें, आप लोग सब लोग समझदार हैं और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और प्यार बनाए रखिए, दुआओं में याद रखिए हमें। और बस फिर तब तक ये देखते हैं कि क्या चीज़ हमने बनाया है और क्या शेयर किया है। ओके फ्रेंड, तो अब शाम के बज रहे हैं 6 और मैं पूजा कर रही हूँ शांति टाइम घर में। और ये शाम के टाइम मेरा रूटीन है खाना बनाने के पहले जो है 7 बजे मैं 6:30 से 7 के बीच दिया जलाती हूँ। और सिंपल सी रोज ऐसे ही हमारा रूटीन है शाम का, ये अच्छा भी लगता है थोड़ा सा करना चाहिए। और मैं काम और ये देखिए मैं अब इस समय निकाल रही हूँ मौसमी का जूस, जिसको चाय पीनी थी वो उसने चाय दे दिया, जिसको जूस पीना था उसको जूस के लिए मैंने कहा थोड़ा निकाल दूँ, क्योंकि आजकल कोविड के पेंडेमिक में जो है ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, काढ़ा चाय और जूस वगैरह। तो शाम के टाइम ये भी एक वर्क रहता है। तो ये कर ले रही हूँ और हमने बनाना है देसी स्टाइल में बड़ा भात, और जिसको कहते हैं हम लोग के देहात में बढ़िया और भात, तो बड़ा टेस्टी लोग बोलते हैं। तो हमने आज वही ये दाल भिगो दी मैंने 1/2 घंटा पहले, भुजी उड़द की दाल मैंने ली है और एक पानी से धुल के इसको हम 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे भीगने के लिए। और देखिए भीग गई थी मेरी दाल और मैंने अब मिक्सी में 1/2 घंटे बाद मिक्सी में पीस लिया है इसको, और मैं मिक्सी से निकाल लेती हूँ इसको सारा। और ये जरूर हफ्ते में एक आध बार जरूर बनाते रहना चाहिए, देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से मसाले, जिसमें से होगा नमक, पहले डालेंगे जीरा और ये नमक, क्योंकि इसके हमें बनाने हैं बड़े। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हींग और धनिया पाउडर, हींग इसमें ज़रूर डालिए टेस्ट के अनुसार, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो हींग डाल दिया और अब ये मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और देखिए हमारे फैमिली के लिए जो है वो भी किचन में है, तो वो ये देख नहीं रहे थे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने इन चारों को देखी थी ये आप देखिए। और ये देखिए मैंने दाल को मिक्स कर लिया सारे मसाले ऐड करके, और अब हम इसको बनाएंगे बड़े। तो इसको हमें करना ये है कि जितने बड़े चाहिए उतने बना लें, और इसकी ग्रेवी के लिए इसी में कि 2 चम्मच या 1 चम्मच जिस हिसाब से आप बना रहे हैं इसका ग्रेवी, तो इसी में कि दाल थोड़ी सी बचा के रख लेनी चाहिए पीसी हुई। और ये सारे देखिए हमने जितने बड़े बनाने हैं, जैसे हमें 7 बड़े बनाने, 8 बनाने, 9 बनाने, जितने पसंद हो उतने उस टाइप से बनाने होते हैं, कम या ज़्यादा वो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। लेकिन ग्रेवी के लिए ज़रूर इसमें दाल इसी में से बचानी पड़ेगी,
तो पहले हमको जितने बड़े ज़रूरत हैं उतने मैं निकाल लेती हूँ। और हमने उधर कढ़ाई रख दी थी, ये कढ़ाई मैंने लोहे की दी है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में और अच्छा टेस्ट आता है, देहात में लोग बोलते हैं। तो लोहे की कढ़ाई रखी और उसमें मैंने डीप फ्राई होने के लिए ऑयल डाला था सरसों का, और सरसों के ऑयल में ही बनाई है, रिफाइंड ऑयल में कम अच्छा लगता है ये, कोई भी कढ़ी हुई बड़ा हो तो सब सरसों के ऑयल में। और इधर मैं रख दे रही हूँ चावल शक्कर बनने के लिए, क्योंकि शाम को मैं रख रही हूँ तो चावल कम ही मैंने दिए हैं रखने के लिए, उसके बाद मैं बना लूँगी रोटी। तो एक तरफ मेरे बड़े डीप फ्राई होने के लिए मैंने डाल दिए कढ़ाई में, और इधर मैं चावल धुल के ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जब भी खाना बनाएं, वैसे तो जल्दी हो जाती है शाम को खाना में, कोई टाइम नहीं लगता है अगर आप आराम आराम से बनाएंगे तो। अगर दो सब्जियां बनाएंगे और एक चावल रोटी बनाएंगे तो आराम से आपका एक घंटा लग जाता है। तो अभी मैं चावल धुल के आरओ का ही पानी डालती हूँ, तो आरओ का पानी डाल दिया और रख दिया दूसरी गैस पे, और ढक्कन थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा था तो क्या मैंने लगाया था। वैसे दे दिए हमारे चावल भी हमने पकने के लिए रख दिए, और अब मैं नैपकिन पेपर से छन्ने को छान के रख लेती हूँ बड़े, जिससे हमारे डीप फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन करने हैं उनको और फिर निकाल लेने हैं। देखिए, मुझे अपने मोबाइल को नज़दीक लाना पड़ रहा है आपको दिखाने के लिए कि अभी डीप फ्राई हुए नहीं है, डीप फ्राई हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। और आप देखिए, वही मैंने बताया था जो दाल थी उसी में मेरे को थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी दाल को पानी डाल के, क्योंकि मिक्सी में हमने दाल थोड़ी सी रख छोड़ी थी, तो उसी में मैं सारे मसाले अभी ऐड करूँगी। थोड़ी सी दाल जरूर ग्रेवी के लिए बचानी ही होती है, और ना ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। उसी मैंने निकाल लिया उसको एक बड़े बाउल में, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। चलिए, आप नज़दीक से देख लीजिए, ये मैंने मिक्स करना है इसे। और अब इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले, तो ये है सब्जी मसाला, और ये रही हल्दी, ये नमक, और फिर से जितने भी बड़े हैं डीप फ्राई करने होते हैं तो भी वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह दही बड़े भी बना के आप दही में भी डाल सकते हैं। इसको भी हम दाल को फिर से फेंट लेते हैं एक बार, जो ग्रेवी के लिए हम रखी थी, ये देखिए ऐसा ऐसे करने में शुरू हो गया है। तो इतना घोल को पतला करना है, अभी ग्रेवी तक हो जाए फिर भी इसको इतना ही पतला करें। और अब निकाल दिए मैंने सारे बड़े, गैस को हमने थोड़ा हाई फ्लेम पर रखा हुआ है क्योंकि बड़े पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो इसको तड़का लगाने के लिए भी आप लहसुन से लगा सकते हो, मेथी से। अब इसमें मैंने लास्ट में ये हींग भी ऐड कर दी है सारे मसाले पड़ जाने के बाद। और अब मैंने 9 या 10 बड़े पूरे बना लिए थे, तो ये देखिए फ्राई कर लिए सारे। और अब उसी तेल में हमको ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, उसी में तेल
ऑयल है इतना, जिसे मैं अब डालूँगी मेथी दानी और ये लाल मिर्च तोड़ के, मिर्च जितना तीखा खाते हैं मैंने दो ही मिर्च डालेंगी। और अब ये जितना मैंने घोल बनाया था वो भी उसी में कढ़ाई में ऐड कर दूँगी और उसे अब थोड़ी देर तक पकाऊँगी उसमें। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको काफ़ी गाढ़ा होने तक आयल निकल आए इसका तब तक इसको पकाना है घोल को। पानी साथ में ज़रूर इसको पका लें, करें अच्छे से फ्राई हो जाएगा ये। कभी देखिएगा किनारे में तेल आ जाता है। आयल, नमक और मिर्च ये सब अपने अकॉर्डिंग लोग डालते हैं, कोई कहीं पर कम आयल खाया जाता है कहीं पर ज़्यादा, और इसी तरह मिर्च भी और इसी तरह नमक भी, तो ये सब। और अब ये देखिए ये इस तरह किनारे छोड़ने लगा है और देखिए गाढ़ा हो गया है ये। तो इसकी ग्रेवी इसी तरह बनानी है और अभी भी इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा और देर तक इसको हम फ्राई करेंगे, अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। उधर प्रेशर कुकर में चावल भी पक रहे हैं, तो मैंने स्लो कर दिया है आज। एक बॉयल अच्छे से आ जाने के बाद अब बड़े ही इसमें डाल देंगे। ग्रेवी बॉयल होने लगी है और इसमें इसमें भी बड़े निकाले थे सारे के सारे ऐड कर देंगे और फिर से इसको पकने देंगे करीब 10 मिनट तक। बस 10 मिनट तक इसको पकाएं, बस बिल्कुल अच्छी सी बन जाती है। और ये चावल भी देखिए मैं बॉयल होने लगे हैं, मेरी चिकन भी आई है। चलिए आपको नज़दीक दिखा देंगे, देखिए रेडी हो गया है। तो जी अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, ज़रूर एक बार ट्राई करके बना के खाइएगा डियर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।